अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा एक सवाल है, क्या कोई ऐसा अच्छा ब्रांड है जो अंडर 20,000 में न्यू बॉक्स पैक 4GB 32GB और डुअल सिम फोन दे? और अगर ऐसा कोई फोन है या ऐसा कोई ब्रांड है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ये वही ब्रांड है जिसने फर्स्ट जनरेशन मोबाइल सिस्टम का इन्वेंशन किया था। जी हाँ, मैं मोटोरोला की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, स्टोर फॉर यू आपको मोटोरोला G5S बॉक्स पैक दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 17,999 रुपए में। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। मैं हूँ एसएन नकवी, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक मोटरोला G5S है बॉक्स पैक है। ये असल में फुली पैक्ड नहीं होते क्योंकि ये इम्पोर्टेड फोन है, ये ऐसे ही आते हैं, ठीक है, इसलिए मेरे पास ये यूनिट है। और ये किसी ब्रांड वारंटी में भी नहीं आते, इसलिए ये फुली पैक्ड नहीं है। तो चलिए फर्दर इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है। ये हमारा मेन यूनिट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एसेसरीज देख लेते हैं। देखिए इसके साथ जो है वो मोटोरोला का टर्बो पावर चार्जर मिलता है एंड ये पावर केबल। तो ये सारी एसेसरीज थी इसके साथ, ठीक है। चलिए इनको साइड पे करते हैं और मजीद फोन के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर क्या अच्छी चीजें हैं और क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, ठीक है। डिजाइन की अगर हम बात करें तो ये फुल मेटालिक बॉडी है और इसके जो साइड्स हैं ये कर्व्ड एजेस हैं। ये देखें, ये कटिंग एज भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये शाइन कर रहे हैं, कर्व्ड एजेस हैं बिल्कुल। ये फुली मेटल बॉडी है। वॉल्यूम रॉकर्स जो है वो राइट साइड पे है, उसके नीचे पावर बटन है, ठीक है। इसके नीचे आप ये स्टीरियो स्पीकर, सिंगल स्टीरियो स्पीकर है वो आप देख सकते हैं। ये चार्जिंग पोर्ट एंड माइक। अगर स्क्रीन पे कुछ देखें तो इसके बारे में कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, लाइक ये 13MP रैपिड फोकस कैमरा। मतलब रैपिड फोकस कैमरा मतलब ये फोकस नॉर्मल फोन्स के हिसाब से जो है काफी तेजी से करता है। उसके बाद टर्बो पावर चार्जर है, ठीक है, और ऑक्टा कोर का 2.0 GHz का प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन 430 है। फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये जो आप नीचे ये बटन देख सकते हैं, ये एक फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये कोई बटन नहीं है। तो चलिए फोन को बूट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फोन बूट हो चुका है, चलिए मजीद इसको सेटअप करते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट है तो हम फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेते हैं। बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्सिव है, फिंगरप्रिंट सेटअप हो गया है। फोन फुली बूट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन जो है वो साइज, इसके बेजल्स काफी बड़े हैं आजकल की जो जनरेशन चल रही है, लेकिन अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप इसकी सारी ये चीजें भूल जाएंगे। इसकी जो स्क्रीन साइज है वो 5.2 इंचेस है और इसकी IPS LCD स्क्रीन है। बाकी जो फोन्स जो 20 या 25 की रेंज में आते हैं उनकी जो रेजोल्यूशन है वो 720p है, लेकिन ये 1080p है। इसका अगर स्टोरेज में आपको दिखा दूं तो ये 32GB है। ये देखें,
8GB यूजेज है और 32GB इसकी अवेलेबल है, ठीक है। और बैटरी अगर हम देखें तो बैटरी इसकी 3000 mAh है, बहुत अच्छी बैटरी है। मतलब एक दिन आपका जो है आराम से निकल जाएगा, भले गेम्स खेले, वाईफाई चलाएं। वैसे बैटरी में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बैटरी आप कितनी भी चलाएं, इसके साथ जो है टर्बो चार्जर टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही फास्ट चार्ज कर ले। चलिए इसकी कैमरा के बारे में बात करते हैं। अगर इसकी रियर कैमरा के बारे में बात करें तो ये 16 मेगापिक्सल कैमरा है और फ्रंट कैमरा जो है इसकी 5 मेगापिक्सल है, लेकिन इसके फ्रंट में भी LED फ्लैश लाइट है। कैमरा इंटरफेस और उसके फीचर्स के बारे में कुछ बात करते हैं। पहले एक नॉर्मली पिक्चर लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल जैसे रैपिड फोकस है। कलर सेचुरेशन और क्लियरिटी आप जो है देख सकते हैं कितनी अच्छी है। और मजीद अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करें तो ये देखें, इसमें प्रोफेशनल मोड भी है और स्लोमो वीडियो की जो है कैपेबिलिटी भी इसमें है, उसके बाद पैनोरामा वीडियो और फोटो। तो चलिए पहले स्लोमो वीडियो को देख लेते हैं, स्लोमो वीडियो को ट्राई करते हैं। स्लोमो वीडियो का डेमो मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। ये देखें, स्लो मोशन मोड में आ गया है और हमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना काफी रहेगा, इसे सेव कर लेते हैं और प्ले करते हैं। ये देखें बेहतरीन, मतलब इस रेंज में आपको स्लोमो वीडियो का फीचर भी मिल रहा है, जो कि बहुत फ्लैगशिप फोन्स में आता है, बहुत महंगे महंगे फोन्स में आता है। वैसे तो ये फोन है भी सस्ता और अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, लेकिन इसमें अब स्लो मोशन भी फीचर इतना अच्छा दे दिया गया है। इसमें एक प्रोफेशनल मोड भी है जिसमें हर चीज जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लाइक ऑटो या वाइट बैलेंस। ऑटो अगर आप करोगे तो ये सब कुछ ये ऑटो हो जाएगा, ठीक है। रिवर्ट कर लें, बैक में जाएं, और वाइट बैलेंस में अगर हम जाएं तो ये देखें, ये वाइट बैलेंस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसमें ISO और भी काफी चीजें जो हैं वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैमरा के फीचर्स भी आपने देख लिए, कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो ये थी मोटो G5S की अनबॉक्सिंग और प्राइस भी मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दी है। अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगा हो और आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको जो है वो अभी स्क्रीन पे नंबर दिखाई देगा, आप उसे अभी कॉल करें और अपना फ़ोन बुक करें, या आप डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।